दनारा पुलिस को फर्जी आधार कार्ड बनाकर सिम कार्ड एक्टिवेट करने वाले गिरोह को पकड़ने में बड़ी सफलता हाथ लगी है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपियों के पास से हथियार सहित फर्जी आधार कार्ड व सिम जब्त की गई है। मामले में पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है। दरअसल 17 जनवरी को एसपी राजेश सिंह चंदेल को मुखबिर से सूचना मिली थी कि गुप्तेश्वर मंदिर दिनारा पर अपने लैपटॉप से कूटरचित तरीके से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर फर्जी आधार कार्ड व उन आधार कार्डों से सिम कार्ड एक्टिवेट कर आम लोगों से धोखाधड़ी की जा रही है। सूचना पर कार्यवाही करते हुए एसडीओपी करेरा जीडी शर्मा को कार्यवाही के लिए निर्देशित किया गया, जिस पर एसडीओपी करेरा तत्काल थाना प्रभारी दिनारा संतोष भार्गव के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित कर उक्त स्थान पर गए। पुलिस टीम द्वारा मुखबिर के बताए गए स्थान पर जाकर देखा तो तीन लड़के लैपटॉप के माध्यम से फर्जी आधार कार्ड एवं सिम कार्ड एक्टिवेट करने का कार्य कर रहे थे, जिसे पुलिस ने घेराबंदी कर गिरफ्तार किया। आरोपितों के पास से 315 बोर की अधिया, दो जिंदा राउंड फर्जी आधार कार्ड, 120 सिम कार्ड, एक मोबाइल, एक नोटबुक, दूसरे आरोपित से एक 315 बोर का कट्टा, दो राउंड फर्जी आधार कार्ड, 70 सिम कार्ड, दो मोबाइल और एक रजिस्टर, तीसरे आरोपित से एक लैपटॉप, एक प्रिंटर, दो डाटा केबल, कुल मिलाकर 87,700 रुपए के सामान को जब्त किया गया है। पकड़े गए आरोपितों के खिलाफ पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। थाना दिनारा में है, जिसमें एक फर्जी सिम फर्जी आधार कार्ड के आधार पर बना के एक ही व्यक्ति के 10-10 आधार कार्ड बनवा के उनकी एक सिम जिसमें जो अकाउंट से लिंक करके बनाई जाती थी, उसमें कुछ हम लोगों को तीन व्यक्ति पकड़ने में सफलता मिली है, जिसके पास में केवल 200 के आसपास आधार कार्ड और 200 से ऊपर की ज़्यादा सिम और दो फायर आर्म्स भी मिले हैं। इनसे बातचीत में अभी इनिशियल बातचीत में ये भी पता लगा है कि इनके साथ में जो लोग जुड़े हुए थे जो साइबर क्राइम में फ्रॉड करते हैं उनको ये फर्जी अकाउंट बनाने के लिए सिम और अकाउंट नंबर देते थे, जिसके आधार पर वो जब लोगों से हैक करते हैं पैसा निकलवाते हैं तो इसे इन अकाउंट से फिर पैसा वापस एग्जिट होता था। तो एक अच्छी सफलता, एक अलग तरह की सफलता, जिसमें ये भी पता लगा है कि इनके लिंक पूरे ऑल ओवर इंडिया में हैं, बिहार झारखंड के आरोपियों से भी लिंक है और इस तरह करते हैं। इसमें कुछ लोग ऐसे लोगों के नाम पता लगे जो इस पूरी कार्रवाई को इनसे करवाते थे, तो उनको भी पुलिस गिरफ्तार करेगी। इसमें हमारे एसडीओपी जी डी शर्मा करेरा और एसएचओ संतोष भार्गव दिलारा की टीम ने एक अच्छा काम किया है और इसमें हमको और आगे हेलो, शिवपुरी से खुशबू शिवहरी की रिपोर्ट।